हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, राधे कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री लक्ष्मी नारायण। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो मैं सुनील कुमार चौहान, और इधर विजय चौहान, आकाश और विकास चौहान, स्वागत करते हैं अपने चैनल सुनील नागंती लाइव ब्लॉग में। वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही खास होने वाला, खूबसूरत होने वाला है। तो फुल वॉच करके वीडियो एंड तक देखें हम लोग। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं अभी शाम के टाइम का मौसम का लुक कितना सुहाना हुआ है। मीठा मीठा हवाएं चल रही है। चंदा मामा देख सकते हैं अभी सिर्फ देख हुए हैं, और आज का मौसम का लुक ही कुछ अलग है। चलिए अभी हमारे बच्चे खाना वाना खा के घरों में सो रहे हैं। क्या देख सकते हैं, अभी मैं मिथुन का रूम से आ रहा। बच्चा खाना खा लिए? ठीक है, सो। हेलो दोस्तों, सुबह सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो आज है नेक्स्ट डे। अभी हम लोग सुबह सुबह क्या काम कर रहे हैं देख सकते हैं। अभी पूरा बिस्तर खाट सब निकाल के ये सब इधर धूप में सुखा दिए हैं, क्योंकि ना कुछ दिन से स्माइल सी आ रहा था इसमें, तो इसको सब सुखा दिए हैं। क्योंकि कूलर चलता है तो हल्का नमी हो ही जाता है। और बाकी देख सकते हैं सब्जी नागंती चौहान जी उधर तोड़ रही हैं, और पानी छोड़ने के बाद खेतों का लुक कुछ अलग ही हो रहा है। खादर छीटेंगे। अभी देख सकते हैं बिल्कुल हवाएं हल्की हल्की चल रही हैं, और ना फ्रिज बन गया तो उससे बहुत राहत है। सब्जी इतना पल्ला हो जा रहा है, माने ख़राब होने के कोई अब टेंशन नहीं है। कि जैसे अभी रख देते थे ना गर्मी में, सड़ जाता था, ख़राब हो जाता था, तो अभी एकदम ठंडा हो जा रहा है। इधर देख सकते हैं कितना सुंदर वो हो रहा है, भुट्टा का जो ऊपर क्या बोलते हैं उसको, यानी और भी एक मक्का के बाल में ना दो तीन भुट्टा फरता है, तो बहुत अच्छा है। अब मक्का अगर थोड़ा ज़्यादा होता है तो उसको पिसवा के ना सतुआ बना देंगे, कभी उसको भी इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए अभी जो काम है उसको करना शुरू करते हैं। इधर से ना बिल्ली कुत्ता बकरी इधर से घुस के काट दे रही है। देखिए वो जो सूख रहा है ये देखिए। तो चलिए इसको अच्छे से इधर भी सुखा दिए। तो हम नहीं चाह पता कि ये एक भी काटेंगे तो सूख जाएगा, अब तो उनका दांत बहुत बड़ा बड़ा होता है, काट ही देंगे। चलिए इसको मैं अच्छे से पैक कर देता हूँ। देख सकते हैं अभी कपड़ा गोद दिया, क्योंकि ना हम लोग में झगड़ा का कारण ही कपड़ा था। इसको ज़्यादा हो गया था, नागंती जी धो धो के कह रहे कि आप अपना अपना कपड़ा धो, आप अपने बच्चे का धोइए, क्योंकि उनका दिमागी हालत थोड़ा सही नहीं है चोट लगने के बाद। चलिए इसको गोद देता हूँ, इसमें बच्चों का भी कपड़ा फिर थोड़ी खुलेगा, उसके बाद धुल देंगे। अभी ना कील भी नहीं है, कील वहाँ पर मार के उसको बांधना पड़ेगा, कोई और व्यवस्था बनाएंगे। और वो मैं इसलिए बताया कि आप लोग सोचेंगे कि भैया इतना दिन से क्या क्या हो गया, झगड़ा का कारण नहीं बताया, तो वही था दोस्तों। तो कपड़ा जो होता है ना, बाकी में धोना चाहिए, मैं परदेश में धोता था। आ एक चीज़ रियल सच्चाई है, इस पर आप लोग बताइएगा कमेंट करके, कि कभी भी बीवी से जैसे बच्चे ना हो, अगर बच्चे हो जाए तो उतना प्यार नहीं जताना चाहिए, जिससे क्या हो कि अपने कर्म और धर्म में संकट पैदा हो। क्योंकि मोह माया एक ऐसा चीज़ है कि आदमी को कहीं भी जाने से, काम करने से, जैसे एक मन नहीं लगना, मन नहीं लगेगा कोई काम ही नहीं कर सकता। ये सबसे ज़्यादा रियल सच्चाई है। अगर आदमी पूरा दिल मन फ्रेश करके सबको भुला के बात करे हफ्ता में, वो अलग की बात है। आज के तो फैशन है कि मोबाइल आ गया, दिन रात कहीं ना कहीं बतियाते रहो, तो मोह माया को त्याग के अगर आदमी को अपने कर्म पर चलना है, पैसा कमाना है, तो मोह माया को सबसे पहले त्यागना पड़ेगा। आ उस पर मैं काम कर रहा हूँ, उसके लिए कोई हमारे बड़े बुजुर्ग बताए हैं कि थोड़ा आप टेंशन मत लो, कोई भी ऐसा समस्या नहीं है कि उसका हल ना हो इस पृथ्वी पे, वो भी सही होगा। जब इतना आप लोग काम सीखे हो तो आप जॉब करो और यूट्यूब को छोड़ो, तो जैसे जॉब लगता है वैसे यूट्यूब बंद हो जाएगा हमारा चैनल। जैसा किसी को बेच देंगे उसका भी इलाज है, जैसे कभी ये चैनल किसी को दे दिए ना, हमारे गाँव में बहुत हैं कि भैया लो इस पे आप काम करो, अपना टैलेंट दिखाओ,
और उसके बदले पैसा दे दो, उसको भाड़ा किराया लेके मैं कहीं परदेश को जाता हूँ। क्योंकि आज के डेट में किसी से कुछ भी मांगना उचित नहीं है। और मैं आज तक किसी से मांगा नहीं, ढूंढ ढूंढ के कमेंट पे कर कर के भोला भाला आदमी को इस तरीके से फंसा दिए, इस तरीके से। लेकिन भगवान जी का कृपा हुआ कि आलसी नहीं बनाने दिए, अभी भी हिम्मत है कि अपना आज कोई भी काम करके जो भी सीखे माइंड में फिट है और उसको जाके इंटरव्यू दे के अपना काम कर सकते हैं। इतना आप लोग का आशीर्वाद और भगवान जी की कृपा हुआ। लेकिन बहुत आदमी हेल्प करके बहुत फ़ायदा गलत उठाए, उसी पैसा से मैं जो पैसा भेजा हूँ आप ये काम करना वो काम करना, और फिर भी लोग कितना उसको गलत नज़रिए में मेरे को साबित कर दिए कि हाँ जी तुमसे तो बड़ा गलत आदमी दुनिया में है ही नहीं। सोचिए, हमें यूट्यूब के बारे में तो बिल्कुल पता ही नहीं था, हमें ये भी पता नहीं था कि कमेंट आता है तो उसका क्या जवाब दिया जाता है, उसको किस तरीके से। तो बहुत कुछ सुना कि कमेंट पे वीडियो बनता है ये हो, नहीं तो हमें तो बस अपने काम करने से मतलब था कि हम जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके का ब्लॉग बना रहे हैं, उस पर हमारा यूट्यूब फैमिली क्या रीज़न देती है, कितना व्यूज तो कहना ही बेकार है, कितना माने देखती है, कितना उनको अच्छा लगता है। यानी हमें अच्छा बनना है, जितना हम सही दिखाएंगे कि हम ये है जी ये है, तो हमसे भी देख के लोग सीखेंगे कि हाँ देखो उनको कि कितना अच्छे कर्म कर रहे हैं, कितना अच्छे काम कर रहे हैं, जो उनके पास है उसी में खुश रह रहे हैं। लेकिन जो हम आपको हेल्प करना चाह रहे हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए कमेंट में, जबकि हर एक ब्लॉग में इंस्टाग्राम का हम लिंक देते हैं, तो सोच के देखिए कौन गलत है। यानी कमेंट में ऐसा कह के कि हाँ जी वो देंगे अपना जो भी है तो दो चार आदमी और भी देख लेंगे कि हाँ जी देखो किस तरीके का है, जबकि इंस्टाग्राम से जब बात होता है तो किसी को पता नहीं कि भाई लो इंस्टाग्राम का लिंक है, इसीलिए दिया जाता है, मेरे को सिखाया गया तो आज जाके सीखा है आपका छोटा भाई। अब किसी से मतलब नहीं है क्योंकि भगवान सबको देखते हैं, हमें बस इस राह पे चलना है कि हमें अच्छे कर्म करते रहना है और बाकी तो होनी और ना होनी वो भगवान जी के हाथ में है। और खुशी और गम अपने हाथ में होता है, जितने मेहनत करें, अगर हमें इस पे सर फोड़ना है जैसे पटक के तो हमें ही चोट लगेगा, बेगर देखे उधर ऊपर चले, इधर देखे इधर चले तो धब दे गिर जाएंगे नीचे, ये तो हमें भी पता है। तो इस हिसाब से हमें सीख मिलती है। तो चलिए अभी ये सब बताऊंगा तो फिर आप कहेंगे सुनील बाबा शुरू हो गए काम कुछ कर नहीं रहे, तो ये यूट्यूब पे बात करना भी काम है, जैसे सॉन्ग गाना काम है, ढोलक बजाना काम है, झाल बजाना काम है, हारमोनिया बजाना काम है, तो ये भी एक काम है। तो ये हाथ में मोबाइल कम से कम 5 मिनट से रखा हूँ, आपका भी कम से कम मेरे मोबाइल का वजन होगा 300 ग्राम, ऐसे कोई रखेगा नहीं, मैं भी एक काम ही कर रहा हूँ बता रहा हूँ। अब आपको ये बात गलत लगे तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो जो हमारा मन का फीलिंग है सुबह सुबह जो प्रभु देते हैं मन में कि हाँ जी तुमको ये करना है, तो अभी हमारा रोजी रोटी ये है, मैं अपने रोजी रोटी के जैसे रोजी रोटी कहते हैं हाँ जी ये हमारा रोजी रोटी थी, अभी हमारा यूट्यूब है रोजी रोटी है, इस पर मैं ये काम कर रहा हूँ और बात कर रहा हूँ। बात करना भी एक कला है, नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे गाँव में ना इंटर से भी ज़्यादा पता ना कितना पढ़ाई किए और उनको पता लगा कि मैं वकील बनूंगा, और जब उनको पता चला कि वकील बनने में सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है तो उन्होंने वो छोड़ दिया, पता ना अभी क्या करते हैं, आप पूछेंगे तो बताएंगे। सोचिए उतना पढ़ाई करने के बाद जब उनको पता चला कि मैं झूठ बोलूँगा तो उन्होंने पूरा मेहनत को कह दिया कि हमें नहीं झूठ बोलना है, बेशक हम इतना पढ़ाई किए हमें नहीं चाहिए झूठ बोलना। तो सोचिए हमारे गांव में कैसे कैसे लोग रहते, कितने अच्छे, इनकी अगर रोज़ सुबह जाके चरण छू का आशीर्वाद मांगा जाए जो हम YouTube पे मांगते हैं तो कितने गलत सलत आदमी के पास पहुंच जाता है, तो इनके अगर चरण छू के हम आशीर्वाद मांगे तो हमें इतने आम एकदम सामने खड़ा होकर इतना ज्ञान दे देंगे, इतना रोजी रोटी के बारे में बता देंगे, इतने सच्चाई के बारे में बता देंगे किस राह पे तुमको चलना है, तो कोई ठोकर नहीं लगेगा। तो सोच के देखिए, तो हम इनको प्रणाम करें कि आपको, तो इस हिसाब से मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको प्रणाम करके मैं कोई पहाड़ तोड़ दे रहा हूँ, मैं इसीलिए सभी भगवान का नाम लेके आप लोग का वीडियो शुरू करता हूँ अपना मनोरंजन के लिए। तो बस आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिए, और ना हो अच्छा तो कमेंट करने से तो कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि वो अब मन दिल पर असर करेगा नहीं, क्योंकि कितने आदमी किस तरीके का कमेंट करते हैं, किस वजह से करते हैं, इसकी सच्चाई की पता मुझको लग चुका है। तो चलिए अभी जो काम करना था उसको करते हैं।
तो देख सकते हो अभी फाइनली इधर से खींच के यहाँ बांध दिया और यहाँ भी बांध दिया और ये यहाँ बांध दिया और इधर यहाँ बांध दिया। अब ना इधर से भी हवा है चाहे उधर से भी हवा है, हटेगा नहीं। अब इधर से बकरी घुस के जड़ को नहीं काट सकती सब्जी वाला, क्योंकि इतने मेहनत से रोके हैं तो सब्जी का सेफ्टी करना भी हमारा ही काम है। ये देखिए कहाँ चढ़ रहे हैं। लोग नहीं कहते हैं हम रास्ता ढूंढ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये देखिए ये फल देने वाले सब्जी का ये ढूंढ रहे हैं कि किधर से मैं किधर चढ़ूँ। तो देखते हैं वहाँ पर गांठ हो गई, तो जाहिर सी बात है इसकी मतलब यही निकल के आता है कि आदमी को रोजी रोटी रोजगार ना हो तो आदमी कुछ ना कुछ करने को सोचते रहता है। यही हाल हुआ 2 साल से लॉकडाउन के बाद, अब बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। ये कहावत नहीं है, कहावत नहीं वो रियल है कि भगवान एक रास्ता खोलते हैं तो एक बंद करते हैं तो दूसरा ज़रूर खोल देते हैं। तो यूट्यूब के माध्यम से खोले हैं कि लो जी इससे थोड़ा अपना घर चलाओ, फिर जब इतना जान पहचान है तो कहीं ना कहीं जॉब मिलेगा और कुछ पैसा का इकट्ठा करके रखो कहीं ना कहीं। हबड़ाओ मत, जो है उतने में खुश रहो, आए भगवान जी का दिया हो इतना सब है दोस्तों, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं। चलिए अभी इनका मुंह को उधर ऊपर कर देते, ऊपर जाके चढ़ के फल दीजिए। और यहाँ जो अब बनाने वाले थे वो तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन अभी यहाँ पे ये देखिए पहले से स्ट्रक्चर बना दिए, इसको जोड़ देना है और उसको जोड़ देना है, फिलहाल के लिए वो घेर दिए हैं। और यहाँ तक करके इसको भी एक गेस्ट रूम बना देना है, और इसमें भी कूलर लगाने का चाहे पंखा लगाने का ना भी लगेगा तो चलेगा, क्योंकि यहाँ ओपन एरिया में ना शुद्ध ऑक्सीजन मिलते रहता है, तो कितना सुंदर है। और रही बात सब्जी उगा रहे हैं तो यहाँ देखिए जैसे वो अलवीरा बना है, यहाँ भी ऐसे चुनाई करके अलवीरा बनाने वाला हूँ। इसीलिए ये सरिया पहले ही से छोड़ दिया था कि मुझे पता था कि ऐसा स्थिति आएगा, जो हमें कोई भी चीज़ इसमें सब्जी भी बेच सकते हैं, कोई मैं जो दुकान खोलना चाहता हूँ वो भी खुल जाएगा, फिर आने वाला टाइम पे जॉब मिलेगा चाहे अच्छा नौकरी मिलेगा उसको भी करेंगे, लेकिन जाके गदा हवा खटाई करके शरीर को बेकार नहीं करना है, नहीं तो बुढ़ापे में बहुत गजन हो जाएगा। इसीलिए जो हमारे किस्मत में है उतना ही में खुश रहना है, और YouTube से अपना जो भी है आएगा 2 महीना 3 महीना, बाकी तो हमारा खेती पे अपना काम कर ही रहे, आ कोई चीज़ की दिक्कत है ही नहीं। और ज़रूरत पड़ेगा तो जैसे नहीं कहते हैं कि कुछ ना करोगे तो क्या होगा जी शरीर में और सुस्ती सी पैदा होगा, तो कभी कभी हमारे जब गांव जवार में घर और बनता है तो उसमें जाकर लेबर मिस्त्री जो भी है अपना काम कर 2 पैसा कमा लिया करेंगे, तो इस तरीके से हमारा जीवन कट जाएगा। इससे ज़्यादा मैं सोच रखूँगा तो हमारा खुद ही दिमाग ख़राब होगा, और बाकी तो कमेंट द्वारा हो ही रहा है। तो ये वाला काम मेरे को करना है, उसके बाद ही प्लास्टर करेंगे, वो भी कितना सुंदर दिखेगा। तो अपने सपनों के घर के बारे में सोचना है, हमें कमेंट के बारे में नहीं सोचना है। कमेंट करके सुन के दिमाग को और ख़राब नहीं करना। देखिए धूप उग गया, अभी ये सूखेगा तो स्माइल नहीं आएगा, देख सकते उधर। चलिए अभी इधर का काम हो गया, नेक्स्ट काम क्या करने वाले हैं। ये जो कलर किए थे ना, तो ये बहुत हमारा एक YouTube फैमिली है जो पसंद कर रही है कि हाँ जी ये बहुत अच्छा काम किए थे। तो पूरे घर में करने से पहले हमें पहले इस घर में करना है वाइट सीमेंट, उससे क्या होगा इसकी मजबूती भी ज़्यादा हो जाएगी और कलर भी हो जाएगा। बाकी तो ये कलर किए ही हैं, और दीपावली से 10 दिन पहले पूरे घर को कोई और कलर करेंगे जो सब में एक ही कलर हो, उस हिसाब से टारगेट बनाए हैं। तो चलिए पहले इसको करते हैं, और ये किस तरीके का लुक होता है वो देखने के बाद ही उधर वाला घर में करेंगे। और इधर देख सकते हैं खाना बन रही है, रात की जो भात है इसको गर्म कर दिए और ये तोड़ी तोड़ के लाए इसको बनाएंगे। इधर बच्चे कपड़ा पहन रहे हैं, तो चलिए अभी ये वाला काम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो दिखने को आपको मिल जाएगा। और देख सकते हैं अभी हल्का हल्का बादल भी और सूरज भगवान भी उदय हैं, अलग तरीके का मौसम हो रहा है और हवाएं हल्की हल्की चल रही है। तो चलिए वो जो भी नेक्स्ट काम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग बोले थे कि ज़्यादा बड़ा वीडियो मत बनाइए भैया,
12 13 14 15 लास्ट 16 मिनट का, और उसी से आपका व्यूज व्यूज तो रहन दीजिए, व्यूज मतलब न्यूज पता ना क्या क्या होता है, सब समझता हूँ मैं। जो ग्रो का एक सपना देखता है यूट्यूबर, हमारा चैनल कब ग्रो होगा, 3 साढ़े 3 साल तो हमने देख लिया, लेकिन फिर भी अगर उसमें हिम्मत हारा जाए तो उसको भी कहा जाता है कि देह चोर था, यूट्यूब पे काम नहीं कर पाया, उसको छोड़ के बंद कर दिया। तो बहुत कुछ सब निकल के आता है, तो कितने आदमी नहीं करते हैं, तो बाप रे मोबाइल ले लिए हैं और उसमें दुका दुका बहुत दे रहे हैं, उसी से उनका घर पर कितना खुशहाली है, बहुत कन्फ्यूजन है। वो तो उनकी सोच है, लेकिन हमें अपने काम से मतलब रखना चाहिए, मन भटकाएंगे इधर उधर खो जाएंगे, और जो नहीं बताया था कि नीचे देख के नहीं चलेंगे, इधर उधर देख के चलेंगे तो पता चला धबाक दे गिरे, फिर उसमें पैसा का खर्च जो तकलीफ होगा वो, ये सब है। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही एंड करते हैं, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। कैसा लगा हमारा आज की ब्लॉग कमेंट द्वारा बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी करिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक तो आपको हर एक वीडियो में देखने को मिलता है, तो कमेंट में आप तो बता ही दिया था, और बाकी इंस्टाग्राम का लिंक तो हर एक वीडियो में देते हैं, और आज मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, क्योंकि एक शब्द तो थोड़ा बोलने से बचेंगे कि इंस्टाग्राम का लिंक हम बता रहे हैं, तो उसमें उसे अच्छा लिख देंगे। चलिए आज की वीडियो बोला इतना ही एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।